अपने पसंदीदा शो यश एफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू फ्राइडे। और फ्राइडे के दिन क्या होता है? फ्राइडे के दिन हम बेशुमार कुकिंग करते हैं, यानी क्वांटिटी वाइज बड़ी कुकिंग, और जिसको हमने नाम दिया है फैमिली फीस्ट या घर की दावत का। जी वापस आ गए। अच्छा जी, अब आपको थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ दे दें। हलीम आज बनने जा रही है बीफ की, और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये हम टोटल इसको कोशिश करेंगे 50 मिनट हमारे पास अभी है टोटल प्रोग्राम ख़त्म होने तक। और क्या क्या किया हमने वो भी रेसिपी कार्ड चलेगा, आपको पहले क्वांटिटीज़ का पता लग जाएगा। हलीम की मैं आपको ख़ास बात बता दूँ, गोश्त का और दालों का तनासुब, और दालों में कौन कौन सी दाल कितनी मकदार में इस्तेमाल करनी है उसकी कम्प्लीट मैं आपको ब्रीफ दूंगा कि क्यों हम किस किस मकदार में क्या वजह है कि इस्तेमाल करें। गंदम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसमें 1.5 किलो, जौ इसमें इस्तेमाल हो रहा है ये मस्ट है। उसके बाद माश की दाल, आमतौर पर कुछ लोग इसमें पाव डालते हैं, मैंने इसमें 1/2 किलो ऐड किए। उसकी वजह ये कि इसमें जो लेस बनती है ये बड़ी इसकी ज़बरदस्त बनती है माश की दाल की, और गंदम और जौ की। बाकी दालें चना, मूंग, मसूर और ये दालें जो हैं ये 1-1 पाव। अच्छा, एक और चीज़, जब भी दालें आप पकाएंगे तो चने की दाल आपने अलग पकानी, नहीं गल के देगी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। अगर आपने एक साथ पका दी, चने की दाल को अलग पकाएं, ग्राइंड करके रख लें। अच्छा, दूसरा, हलीम में जब भी इस्तेमाल करेंगे गंदम साबित इस्तेमाल ना करें। गंदम का दलिया किसी भी चक्की वाले के पास चले जाए, जो आटे की चक्की होती है उसको बोले गंदम का दलिया दे दे, वो आपको गंदम का दलिया देगा और जौ का दलिया। ये दोनों चीज़ जो है, अगर आपके पास दलिया आ जाएगा ना, थोड़ा कुटा क्रश्ड होता है, वो पकने में आसानी होगा, गलेगा जल्दी और आपको इतनी गुटाई नहीं करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और ये इसका हम कोरमा बना रहे हैं, और इसमें हम तकरीबन 2 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे, साथ में इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज, ये फ्राई होगा, साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 3-3 खाने के चम्मच। बस सबसे पहले इसकी बुनाई होगी, और अभी आपको मज़ीद तफसील में बताता हूँ क्या करने जा रहे हैं हम। ये हलीम जो हम बना रहे हैं ये 4 किलो बीफ के गोश्त की है, ये पतीला जो है ये 1/2 मन का है 20 किलो का, और ये हलीम जो है 50 लोगों के लिए काफ़ी है। 50 लोग जो मकदार आपको नज़र आ रही है, जिस मकदार में हम बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छी मकदार है। हलीम में आमतौर पर होता है ना, आपको वो रेशा इसमें होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। गोश्त का और दालों का तनासुब ख़राब होता है, यानी सही तनासुब भी नहीं होता। आमतौर पर मैं इक्वल लेता हूँ या थोड़ी सी दालें ऊपर, गोश्त थोड़ा सा कम। 4 किलो बीफ का गोश्त है, और बीफ का भी रान का, किसी और हिस्से का नहीं, रान का, चूँकि रेशा बड़ा होता है और रेशा सही बनता है, इस वजह से हम रान का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रान के गोश्त के भी लेके तो बोटी का साइज़ आपने तकरीबन 2 इंच का रेशे के उसमें, यानी रेशा ऐसे आ रहा है, तो आपने 2 इंच की बोटी काटनी है। उसकी वजह ये कि जितना लंबा बोटी आप काटेंगे उतना बड़ा रेशा बनेगा। तीसरी चीज़, इसका घोटना जो है ना, ये बस का कमाल है, मतलब बाकी चीज़ें भी आपको बता रहे हैं क्या कुछ हम डाल रहे हैं, लेकिन इसका घोटना जो है ये बस समझ लें कि इसमें अगर आपने मेहनत कर ली आपकी हलीम, और ये अभी हमने 20 किलो बनाई है, इस हलीम को मैं 25 किलो भी बना सकता हूँ, 30 भी बना सकता हूँ, पानी डालता जाऊँगा, घोटता जाऊँगा, दालें फूलती जाएंगी, गलती जाएंगी, गोश्त और मज़ीद तार तार हो जाएगा, बिल्कुल फाइन तार हो जाएगा, तो वो बेसिकली हम उस हलीम को बढ़ा सकते हैं बड़ी मकदार में। ठीक है जी, प्याज और लहसुन यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, दालें आपके पास आ जाती हैं, दालें हमने पहले से पकने रख दी थी, आप भी ये करेंगे, दाल को अलग से पकाएंगे और दाल को अलग से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडिंग के लिए आमतौर पर हैंड ब्लेंडर जो होता है वो बेहतरीन काम करता है, मैं 2 जला चुका हूँ वहाँ से तो उसको एहतियात से कीजिएगा, थोड़ा सा चलाएं और फिर बंद कर दें, निकाल दें। अभी मेरे पास जो हैंड ब्लेंडर है वो बड़ा मजबूत है, बाहर से मैं लेके आया था, उसकी मोटर बहुत पावर की, क्योंकि दाल जो इसमें है ये थोड़ा कुटाई में इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, यानी गाड़ी हो जाती है, मशीन पर लोड आता है, लिहाजा अगर आप मशीन से इसको पीस रहे हैं तो फिर कोशिश करेंगे थोड़ा सा पीसा और छोड़ दें, थोड़ा पीसा छोड़ दें, मुसलसल पीसेंगे मशीन गई। अच्छा जी, दालें हमने पहले से भिगो के रखी हुई थी, इसको तकरीबन 2 घंटा भिगो के रख दें, पानी निकाल दें, फिर इसको पकने रख दें, फिर जब ये दालें पक रही होंगी, ये देखें, अब अगर कैमरा करीब आ जाएगा तो मैं आपको ज़रा इसके दालों का हशर, ठीक है, ये देखें दालें अभी हल्का छोटा छोटा दाना इसमें नज़र आ रहा है, बस इतना नज़र आना चाहिए, ये पिसाई इसकी कम्प्लीट है बिल्कुल, इसको हम मज़ीद नहीं पीसेंगे।
अगर हम इसमें दाना देखें थोड़ा ज़रा बड़ा नज़र आ रहा होता तो फिर हम इसको और मज़ीद पीसते, क्योंकि अभी इसका गोटा भी लगेगा तो इसमें बराबर हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं प्याज अदरक लहसुन, पहले ये फ्राई हो रहा है, और इधर आ जाते हैं गाय का गोश्त। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये हमने गोश्त को पकने सिर्फ मैंने इसमें नमक और हल्दी डाला था। बॉयल कर लें, बॉयल होने के बाद इसको अपने खूब अच्छी तरीके से बिल्कुल कंप्लीट गलाना है। प्रेशर कुकर में गला लें, कोई इशू नहीं है, अदरवाइज धीमी आंच पे छोड़ दें। जब ये गोश्त गल जाएगा फिर आपने इसको घोटना है, ये वाले गोटे से, हलीम वाला, इससे आपने इसको घोटना है, बिल्कुल इसको बारीक कर लें। ये देखें बिल्कुल तार तार हो गया है ये, और इसका रेशा देखें, ये लंबे रेशे हैं इसके, ये देखें, ये एक पूरा रेशा है। कैमरा आ जाओ, ये देखें, ये बड़े बड़े इसके रेशे बने हुए हैं, और इसको हमने बिल्कुल बारीक उसको घोट लिया है। बस इसको ये अब हमारे पास तैयार है। अगर आप इस कंडीशन पे इसको ले आएंगे तो फिर हलीम आपकी बहुत जल्दी बनेगी। प्याज और लहसुन को थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, और ये मसाला जात जो अब इसमें डालेंगे वो मैं यहाँ पे लगा दूँ, ज़ीरा, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा, तीखा हलीम वैसे थोड़ी स्पाइसी होती है तो मज़ा आता है, बहुत नहीं लेकिन थोड़ी सी, और हमारे घर में बनती है वो हलीम भी बनती है तो कहते हैं भाई मिर्चें ना हो, मैं कहता हूँ हलीम, निहारी, कोरमा, ये तो है ही मिर्च वाले आइटम, बिरयानी, तो घर में जब बनती है फिर मैं थोड़ा ज़रा स्पाइसी कर देता हूँ उसको। तो दालें यहाँ पे हमने पकने रख दी, पकने के बाद ये देखें तकरीबन इसको 3 घंटे हो चुके हैं पकते हुए, यानी हमने 8 बजे इसको शुरू किया था, 9, 10, 11, 3 घंटे में ये दालें गलने के बाद, और इसमें जो हमने दलिया इस्तेमाल किया था गंदुम और जौ का, ये बड़ा फ़ायदा दे गया, ठीक है ना। अदरवाइज़ अगर ये गंदुम और जौ हम साबुत डालेंगे तो फिर इसकी पिसाई बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत आपको ये बाज़ार में नहीं ईजी कुक हलीम मिक्स आते हैं, आप देखें उसका पैकेट खोले, वो भी उन्होंने भी ये किया हुआ है, दालों को, सारी दालों को उन्होंने हल्का सा पीसा हुआ है, कुटा हुआ है, तो वो आपकी पिसाई का टाइम बच जाता है। ये देखिए तैयार हो गया, ये हमारे पास दालें तैयार हैं, प्याज फ्राई किया, और ये हम कोरमा बना रहे हैं। आमतौर पर करती है कि गाय के गोश्त को लेके ये कोरमा बनता है, फिर उसमें गोश्त फ्राई होता है फिर डालते हैं, हम उसको दादर वे अराउंड कर रहे हैं, यानी उल्टी तरफ से। प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया, लाल मिर्चें बशीर भाई देख लो, बशीर भाई से हम परमिशन लेते हैं ताकि वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डाल दो सारी डाल दो, काफ़ी है, ठीक है। हल्दी इसमें डलेगी थोड़ी ज़्यादा, 3 से 4 खाने के चम्मच, ज़ीरा, धनिया, और इसके बाद ये देखिए अब इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करना है, मसाला जैसे डल गया फिर आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, अदरवाइज मसाला इसमें जल जाएगा। बस हल्का सा मिक्स किया, और इसके बाद ये आ जाएगा इसमें जो गोश्त हमने नरम किया था, ये आ गया, इसको अब हमने मिक्स करना है थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है जी। इसको हमने मिक्स किया, 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए, बल्कि जोब भाई हमें ज़रा 1 मिनट मिल जाएगा, आधा मिनट, हाँ मैं इसको ज़रा खाली फिनिश कर दूँ। ये देखें इसको हल्की सी बुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं, कोरमा हमारा तैयार है और हमारा गोश्त भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गला हुआ है। ये मिक्स किया और बस इसके बाद ये गोश्त सीधा आ जाएगा हलीम में, और उसके बाद इसकी गुटाई होगी। और हमारे साथ आज एक बड़े मायनाज शेफ़ है पाकिस्तान के, बहुत बड़े शेफ़ हैं, अभी मिलवाते हैं आपको, ब्रेक के बाद आपको मिलवाते हैं, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। गोश्त में इसमें शामिल कर रहा हूँ, वापस आ गए, और हलीम को घोटा लग रहा है, पतीला चेंज हो गया, आपने देखा आनंद फान, बीच में मेरे ब्रेक आया, पतीला काफ़ी भर गया था, हमारे पास एक बड़ा पतीला था तो हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया सारा। अब इसकी क्वांटिटी और बढ़ गई, ये तकरीबन अब कोई 30 किलो के करीब लगभग हलीम है, और ये तकरीबन 60 लोगों की हलीम है, अगर आधा किलो हलीम एक शख्स खाता है तो। वैसे 350 ग्राम की प्लेट है, तकरीबन 350-450 ग्राम की या 400 ग्राम की, लेकिन 350 ग्राम राइट क्वांटिटी है। मज़ीद काम की तरफ आएंगे हम, आपको पाकिस्तान के सबसे मायनाज शेफ़ से पहले मिलवाते हैं, जुहेब भाई हमारे, शेफ़ जुहेब, एक और हमारे पास शेफ़ है, शेफ़ खुर्रम, छोटी दुनिया, वो अगले हफ्ते आएंगे इंशाल्लाह। ये सारे शेफ़ है सिवाय मेरे, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, ज़बरदस्त। ये हमारा गो टू स्पेशलिस्ट है, ये गुटाई के लिए हमने इसको लाए, और ये मेरे साथ घर में जब हम क्वांटिटी बनाते हैं इससे भी बड़ी देगी मेरे पास, वो 4 मन की है, वो हम बनाते हैं फिर उसको 2 देगों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको मैं क्विक रिकैप दे दूँ, दालें जिसमें हमने शामिल किया था गंदुम, जौ, माश, मूंग, मसूर, चना, 1.5 किलो गंदुम,
एक किलो जौ और उसके हिसाब से आधा किलो माश और फिर मूंग मसूर चना एक एक पाव और 4 किलो गोश्त था, ठीक है ना। तकरीबन बराबर दालें हैं और गोश्त है। इसमें रेशा इसका बहुत बनेगा, अगर आपने थोड़ा पतला रेशा रखना है फिर इसमें पानी डालते जाएँ तो फिर क्वांटिटी और बढ़ती जाएगी। ये अभी हमने किया था, गोश्त को हमने 4 किलो रान का बड़े पीस काटे थे और उसमें सिर्फ नमक और पानी डाला था, और नमक पानी और हल्दी, और गोश्त को हमने पकने रख दिया था, बिल्कुल गल के हलवा हो गया था, उसको हमने गोटा लगा दिया था, उसके बाद इसको मिक्स कर लिया, ठीक है जी। तो और अब आ जाते हैं इसके गरम मसाले की तरफ, जो इसकी सबसे ख़ास बात है वो आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या डालते हैं इसके मसाले में। अच्छा, दोबारा फिर हमने इसका ग्रेवी बनाई, प्याज थोड़े फ्राई किए तकरीबन 1 किलो, 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट 2 कप कुकिंग ऑयल में, और इसके बाद वो हमने शामिल करने के बाद प्याज फ्राई किया, फिर जो गोश्त पका हुआ था वो डाला, थोड़ा सा फ्राई किया, वो गोश्त सारा इसमें आ गया। अब इसकी गुटाई हो रही है और यहाँ पे हम मसाले आपको दिखाते हैं, ये बड़े अहम हैं। जायफल और जावित्री, ये आ गया जायफल, ये मैंने पैन गर्म किया हुआ है ताकि इसमें हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे, इसका खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। बादियान फूल मस्त डलना है, मस्त, ये तकरीबन हमने कोई 4 से 5 अदद बादियान फूल। इसके बाद इसमें दालचीनी तकरीबन 2 खाने के चम्मच, तेज़पात 8 से 10, लौंगें तकरीबन 20 से 25, बड़ी इलायची और काली मिर्च, ज़ीरा, ये सारा आ गया। जायफल जावित्री के साथ ख्याल कीजिएगा, बहुत ना इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ फिर इसका जायका बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। अच्छा, अब हमने करना ये है, इसको हल्का सा भुना, इसके बाद ये मसाले की मशीन आ गई और इसमें हमने मसाला ताज़ा पीसना है। बाज़ार में तैयार मसाले भी आते हैं बिरयानी के, हलीम के, उनका खुशबू जायका टेस्ट जो ताज़े का है वो उसकी कोई अलग ही बात है। और इसी मसाले में जो लाल मिर्च और हल्दी थी, ज़ीरा, धनिया, वो हमने पहले से ही उसमें शामिल कर दिया। चले जी, अब ये मसाला लिया, इसको बिल्कुल फाइन पाउडर पीसना है, ठीक है जी। ये अब फौरी तौर पर हमने इसमें शामिल करना है ताकि गर्म मसाला इसमें अच्छी तरीके से इसका जायका आ जाए और ये टेस्ट इसका, यानी वो कच्चापन गर्म मसाले का ना हो। चलो जी, मशीन की बंद हो गई, बंद, हाँ चल, अभी इसको लॉक किया तो अच्छा, मशीन ही लू, ओह चल, ये लॉक हुआ कि नहीं हुआ, हाँ अब हुआ। चल, अच्छी तरीके से बिल्कुल पाउडर करना है हमने, बिल्कुल बारीक पीसना है, जितना बारीक पीसेंगे मसाला उतना बेहतर रहेगा, अदरवाइज अगर दानेदार होगा तो फिर ये मसाला मुंह में आएगा, इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। ये देखें, बिल्कुल पाउडर कर लें, इसमें जायफल जावित्री मस्त डलनी है और बादियान फूल, बादियान खताई जिसको बोलते हैं, सारिणी, चलो ये पिस गया, इसको निकाल लेते हैं और मज़ीद जो मसाला बचा हुआ है देखिए, बिल्कुल फाइन पाउडर, इसके बाद ये भी डाल देते हैं इसमें और इसको पीस के फिर इसको शामिल करने का एक तरीका है वो भी आपको बताते हैं। ये किया मसाला, ये बंद की मशीन, और इसको भी बिल्कुल बारीक पीसेंगे पाउडर। और अब हमने काम ये करना है, ये मसाला जो है डायरेक्ट शामिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट शामिल किया ये बिल्कुल दाने मिक्स नहीं हो पाएंगे, लिहाजा इसमें तकरीबन हमने 2 से 3 कप पानी शामिल कर दिया। ये सारा मसाला आ गया गरम मसाला, इसको मिक्स किया, इसको भी पीस लेते हैं थोड़ा सा, और ये शामिल करके पानी में शामिल करना है, फिर मिक्स करना है, ये इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लें, दैट्स इट, और ये शामिल हो गया हमारी हलीम में बस। और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं फिर ज़रा हमारे शेफ जेब से गपशप भी करते हैं, मैंने कहा पहले थोड़ा ज़रा काम आगे बढ़ा दूँ, कहीं जाएगा भी अटैक। जी वापस आ गए, और यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 लीटर कुकिंग ऑयल रखा है, खूब गर्म हो जाए, जब बिल्कुल इसमें से हल्का सा धुआं उठने लगेगा फिर इसको हम हलीम को तड़का देंगे। और यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तकरीबन 3 कप 4 कप पानी शामिल कर लेंगे, हलीम अभी काफ़ी गाढ़ी है और नमक अभी तक हमने शामिल नहीं किया, ठीक है ना। तो नमक हम पहले ज़रा इसमें तकरीबन कोई
चार से पाँच, पाँच खाने के चम्मच ये शामिल कर देंगे। और इसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ शामिल हो रही है, ये हमारे मसाकों के साशे, और ये जो इसमें जायका देंगे ना, नथिंग लाइक इट। इसके सबसे ख़ास बात ये कि एक तो ये नेचुरल रियल चिकन से बनता है। बहुत सारे बाज़ार में आपको क्यूब्स वगैरह मिलते हैं, महंगे बहुत हैं, ये उस हिसाब से 15 रुपये का साशे, और ये 2 क्यूब के बराबर इसमें इसका पाउडर है, और नेचुरल रियल चिकन का है, फ्लेवर बिल्कुल पेनिट्रेट करेगा, किसी भी खाने में डालेंगे तो ये इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और हम इसमें तकरीबन मैं डाल देता हूँ 4 पैकेट, 1, 2, और ये बीफ हलीम है, ये चिकन का पाउडर है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत सारे लोग शायद सोचें कि यार ये तो दाल में भी चलता है, सब्ज़ी में भी, हर चीज़ में ये सेटिंग होती है, ये समझ लें कि वो क्या नाम है, खानों का आलू है, आलू नहीं, अरे आलू गोश्त, आलू गोभी सेट हो जाता है, इसका फ्लेवर बेहतरीन आता है, हर चीज़ के साथ सेट हो जाता है, और आपको फील नहीं होगा कि चिकन के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बीफ की कैसे बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। ये लें 4 पैकेट मैंने ले लिए, और नमक भी हम पानी में हल करके डालेंगे। अगेन, अगर आपने नमक ऐसे ऊपर डाल दिया, हलीम गाढ़ी है, तो ये नमक की गुठलियाँ इसमें रह जाने का ख़तरा है। ये लें, मिक्स किया, और ये भी आ गया। चलिए इसको अब मिक्स करेंगे। अच्छा, नमक को हम शुरू में थोड़ा सा कम रखेंगे, फिर बिल्कुल जब हलीम फाइनल स्टेजेस पे आ जाएगी, फिर हम इसको इसका नमक चेक करेंगे। ये लें जी, तेल गर्म हो गया, थोड़ा सा और गर्म होगा, ज़रा हल्का सा पक जाए, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए, फिर हम हलीम पे इसका तड़का देंगे। और साथ में ये खूब सारी प्याज आई हुई है, ये भी फ्राई की हुई प्याज इसके साथ ही शामिल करेंगे, तेल थोड़ा सा और गर्म हो जाए, और बस। हाँ, अच्छा, अब ज़रा शेफ़ से भी मालूमात कर लें भाई, ये हमारे साथ कितने साल हो गए तुम्हारे? 4 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया, इसकी मेहरबानी, बर्दाश्त किया इसने, बहुत कुछ होता है आपको नहीं पता, शूट्स वगैरह पे शोर शराबा मचता है, वो पार्ट ऑफ वो है, इसमें हम सीखते हैं, इनसे भी सीखते हैं, हमें फूड स्टाइलिंग के काम पे भी गए हैं, तो माशाल्लाह बड़े कीमती मशवरे देते हैं। तो मैंने आपको बताया था राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है, वो दूसरा एक और है, वो अभी अगले हफ्ते आएगा, और उसको भी आपको मिलवाएंगे। इन लोगों की बदौलत मेरा शो होता है, एक ये एक कभी प्लान होगा इंशाल्लाह, जो हम नाम लेते रहते हैं ना सारे हमारे कैमरामैन के, इन सबको आपको मिलवाएंगे, जुए भाई से मिलवाएंगे आपको, डायरेक्टर से, होता है ना जिक्र होते रहते हैं, लोगों के जहन में आते हैं पता नहीं कौन है, तो ये सब के सब आपको मिलवाएंगे। फिलहाल तो ये आइटम मैंने आपको एक दिखा दिया, एक आइटम अगले हफ्ते आ रहा है जुम्मे वाले दिन, ठीक है ना? और घर में खाने पकाते हो? बहुत कम। कितना कम? बहुत, जब बहुत मूड होता है। बहुत मूड कब होता है? क्या, अच्छा क्या अच्छा बनाते हो? मैं स्वीट डिशेस। स्वीट डिशेस, और क्या मतलब घर में? अच्छा, घर में बनाते हो, घर वाले तारीफ करते हैं बहुत? कभी कभी, कभी कभी। ये इसका भी मसला हमारा वाला इसका भी वही प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब एक काम, रुकते ठहर जाओ, ऑयल गर्म हो चुका मुकम्मल तौर पे, हट जाओ बेटा, इसको इधर दे दो, ये देख, ये जरा दूर रह के आपने बात, चलो आराम से आराम से। तो जुए भाई को हमारे साथ 4 साल हो गए माशाल्लाह, और मेहनती बंदे हैं, लर्निंग का शौक है, ये खुद भी डिप्लोमा होल्डर हैं, फूड एंड बेवरेज में उन्होंने डिप्लोमा किया, काम बड़ा अच्छा जानते हैं, कभी कभार दिलचस्पी नहीं लेते, फिर काम ख़राब हो जाता है, दिलचस्पी ले तो फिर बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है जी। तो अब ये हमारी हलीम, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें, ये हलीम वो जो लेस की मैं बात करते, देखें कितनी देर में बन गई, ये देखें, ये गोश्त, ये देखें बिल्कुल तार तार हो गए, वो गोश्त हमने मुकम्मल गला लिया। आप देखें 45 मिनट में आपकी हलीम तैयार हो जाएगी, अगर आप दाल मुकम्मल गला लें, गोश्त मुकम्मल गला लें, 45 मिनट के अंदर आपकी हलीम हमारे हिसाब से तैयार है। खाली उसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसमें मिक्स हो जाए, बस हलीम तैयार, दैट्स इट। हमारे साथ कॉलर है, कौन? अरे सॉरी सॉरी, इसमें मैं प्याज डाल दूँ तकरीबन 1.5 पाव, ये लें, चले ये ले जी, प्याज शामिल कर दिया तकरीबन 1.5 पाव, ये भी मिक्स करेंगे, और साथ में ये ऊपर डलेगा, और ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर इसका नमक चेक करेंगे, मेरे हिसाब से गाढ़ापन इसका बिल्कुल सेट हो चुका है, अब इसको मज़ीद गाढ़ा भी नहीं करेंगे, पतला भी नहीं करेंगे, घर के हिसाब से जाएँ तो इसको पतला करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता, मैं चाहता हूँ थोड़ी ज़रा गाढ़ी है इसकी, वो हलीम। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। जी वापस आ गए, बीच में मैंने नमक चेक किया, नमक भी कम है, मिर्चें भी कम है, मिर्चें मैं बल्कि थोड़ी सी कम कर दूं, है मिर्चें थोड़ी सी कम है, तो मैं इसमें तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच
लाल मिर्ची और ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और बस। ये देखिए लाल मिर्ची ली, नमक तकरीबन 2 खाने के चम्मच और अगेन मिर्चें नमक जो भी इसमें शामिल करेंगे पानी में, डायरेक्ट नहीं डालेंगे नहीं तो दाल और जो हली में गाढ़ी हो चुकी है ये सारा का सारा गुठली बन जाएगा, फिर हल नहीं होगा, आप इसको कूटते रहेंगे ढूंढते रहेंगे हो नहीं पाएगा। पानी में मिक्स किया थोड़ा सा बस, और ये भी इसमें शामिल कर दिया, दैट्स इट, बस हलीम रेडी होगी। हलीम बनाने के लिए 2 चीज़ें जहन में रखिएगा, एक तो मैंने आपको जो मसाला इसका बताया ये जहन में रखिएगा, इसमें बादियान, जायफल, जावित्री, ये 3 मस्त चीज़ें जो आमतौर पर गर्म मसाले में लोग नहीं डालते, इसका खुशबू जायका हलीम का बहुत अच्छा आएगा। लाल मिर्ची, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, ज़ीरा धनिया इतना नहीं डलता, लाल मिर्चें, हल्दी ज़्यादा डलती है थोड़ा, देख रहे हैं इसका जो पीलाट पीला कलर आ रहा है ये हल्दी की वजह से आ रहा है, अदरवाइज़ इसका कलर ब्राउन सा हो जाता है। हलीम का ये कलर जो ये आइडियल है, बाज़ार में भी जो मिलती है वो यही। अच्छा ये देखिए गोश्त को हमने पहले जब पकाया, इसको हमने खूब पकाने के बाद घोटा है तकरीबन 1.5-2 घंटे, बिल्कुल रेशा हो गया। हमने जैसे ही दाल में इसको मिक्स किया, आप देखें ये देखें ये देखिए ये जो रेशा मैं आपको कह रहा था ना, अब इसमें आप मज़ीद दाल डाल दें 2-3 किलो, 10 किलो हलीम और बढ़ जाएगी, दैट्स इट, ये इसकी साइंस है। बाज़ार में जो मिलती है बहुत सारे लोगों को लगता था, पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें सुना था कि रुई डालते हैं, रुई की इशू नहीं है, ये हलीम बढ़ती चली जाएगी, जितना मैं इसको घोटूंगा जितना रेशा बनता जाएगा उतनी हलीम की क्वान्टिटी बढ़ती जाएगी बस। अच्छा जैसे ही आपने गर्म मसाला शामिल कर दिया, तड़का दे दिया, नमक शामिल कर दिया, इसको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, ताकि गर्म मसाला मिर्चों का और नमक का जायका सारा एक जैसा हो जाए, बस इसके बाद उतार लेंगे। और ये हमारी इसकी सारी गार्निश लवाजमात मस्त हैं, नींबू और अदरक, धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते, और फ्राई किया और प्याज, इनके बगैर हलीम ना बनाइएगा प्लीज़, ये मस्त है, इसके बगैर हलीम का मज़ा नहीं आता। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग इसको रोटी के साथ खाते हैं, बहुत मज़ा आता है, हालांकि ये खुद गंदम है, जौ इसमें तो आमतौर पर रोटी का इसमें तुक नहीं बनती, लेकिन बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। हलीम को अभी हम हमारी तैयार है, इसको थोड़ी देर के लिए घोटा लगाएंगे, ब्रेक से पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हलीम को हम सर्व भी करेंगे और चंद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लेंगे जोहेब भाई से कि उनके क्या तासुरात हैं आज के हलीम के बारे में। कहीं जाएगा विराट भाई, जी वापस आ गए, हलीम तैयार, ये ले, और ये देखें इसको काफ़ी गाढ़ी थी, बीच में मैंने ब्रेक में 2 जग पानी डाला है, उसके बावजूद काफ़ी गाढ़ी है, तो अभी इसमें हम भरते जाएंगे। और तो जोहेब भाई एक और चीज़ बताइए, तो घर में आपके बेगम को खाना पका के खिलाते हैं? बहुत कम। क्यों? ये शिकवा है उनको, मैं जब से आई हूँ आपने खाना नहीं खिलाया मुझे। ओहो हमारी वाली तो तुम्हें अभी तुम्हारी अभी क्लास होनी है, फिर हो जाओगे सेट। तो क्या वैसे कभी कुछ खिलाया तो उनको क्या पसंद आता है? सब चीज़, सब चीज़ तो सब पसंद आता है। हाँ क्यों, अच्छे बनाते हो? नहीं का नहीं नहीं काम वैसे अच्छा जानता है, बहुत बेहतरीन। ये थोड़ा सा ज़रा अभी हाँ सीखे, ये तो खुद मास्टर है भाई, शेफ है भाई, क्वालिफाइड ग्रेजुएट बंदा है भाई, ऐसा हल्का बंदा थोड़ा, कुछ आपसे सीखने का मौका मिलता है। मेरे घर में असल में जितने काम होते हैं ना इस तरह के जो फटीक वाले, ये सारा बस जोहेब भाई जिंदाबाद, और ये काम जो अभी उन्होंने किया है, ये मसाले वगैरह की कॉम्बिनेशन भी गुर है, लेकिन जो घोटा लगाया ना, ओह ये हलीम जो है हम जोहेब भाई के नाम कर देंगे आज, ये इन्होंने ऐसा काम किया। तो ये आ गई इसमें हलीम, और ये इसकी साइड को साफ कर लेंगे, और ये जोहेब भाई काम करते हैं मेरे साथ, कभी सख्त गुस्सा है आपको मेरे पे, दिल करे यार इसको टिका दूं? नहीं है, नहीं बहुत टाइम आया है मुझे तो पता है बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन चलो क्या करें, काम इसी तरह सीखते हैं। ये लीजिए हलीम तैयार, ये इसका आ गया तड़का फाइनल, ज़रूरी नहीं है देना है तो, बहुत कुछ लोगों को हलीम के ऊपर तड़का पसंद होता है बस। और इसको इधर कर देता हूँ, और लवाजमात, ये तो इसके बगैर हलीम जो है ना, ये बिल्कुल इसके बगैर जो समझने के इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से। ये आ गया इसमें पुदीना, ये आ गया इसमें अदरक,
हरी मिर्चें, अच्छा स्पाइसी है थोड़ी सी, बहुत स्पाइसी नहीं है, हरी मिर्चें लेकिन डलेंगी मस्त भाई, और उसके बगैर तो हलीम का मज़ा नहीं आता। और ये आ गया इसके ऊपर हरा प्याज। चले जी, बस अभी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे भी लंगर खुलने वाला है, और हलीम हमने क्वांटिटी बनाई है सारे पाकिस्तान को, चैनल वालों को। हाँ खर्चा, खर्चा भाई ये इसका खर्चा टोटल 8,000 रुपये इसका खर्चा है टोटल, और ये तकरीबन 100-110 रुपये की प्लेट पड़ेगी बीफ की हलीम। चिकन की हलीम का ये रेशा नहीं बनता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। चिकन की हलीम अगर बना रहे, चिकन ब्रेस्ट लीजिएगा पूरा साबित, इसको तोड़िएगा नहीं, काटिएगा नहीं, तो रेशा कंप्लीट आपको मिलेगा, तो फिर कहीं जाके हो, लेकिन उसकी गुटाई बहुत करनी पड़ेगी, वो रेशा आसानी से अलग नहीं होता। वो तकरीबन 60-65 रुपये की आपको चिकन की हलीम पड़ेगी। ये वाली जो हलीम है ये आपको तकरीबन 110 रुपये की पड़ेगी, 100-110 के दरमियान। और ये जो क्वांटिटी हमने बनाई है तकरीबन 50 लोग आराम से खा सकते हैं। तो ये जहन में रखिएगा, कभी भी बना रहे हो घर में ये काम कर लेंगे। गोश्त पहले से गला के रख लें, दालें गला लें, फिर आपने देखा कि 45 मिनट के अंदर हलीम तैयार हो गई, दैट्स इट। तो और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे अपने कॉमेंट्स भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्वान्टिटी। मैं आपको दोबारा फिर कोई रिकैप दे दूँ कि हमने, बल्कि जो भाई बताओ चलो क्या किया था। हमने पहले दालें उबाली थी, हाँ, दालों के बाद हमने गोश्त अलग बनाया था, फिर उसमें मसाले वसाले ग्रेवी बनाई थी, उसमें हमने प्याज अदरक लहसुन, फिर उसमें गोश्त डाल दिया था, फिर मसाले लाल मिर्चे नमक हल्दी और वो गरम मसाला। ठीक है, उन्हीं गरम मसाले पहले तो गोश्त मिक्स किया, फिर वो गोश्त मिक्स करके फिर उसको अच्छी तरह घोटा, फिर उसमें गरम मसाला पानी में डाइवर्ट करके डाला है, और नमक भी डाइवर्ट करके डालेंगे ताकि वो नमक भी गुठलियों की शक्ल में ना रह जाए, फिर हल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और फिर तेल का तड़का लगा, फिर तेल का तड़का दिया इधर से। अगर आपने घर में प्याज फ्राई किए तो वो ज़्यादा बेहतर तेल है, वो तेल अगर आप शामिल करेंगे, लेकिन हमारे पास चूँकि फ्राई किए प्याज भी पड़े हैं तो हमने वो शामिल कर दिया, तो ज़रूरत नहीं है सच। लेकिन तेल को थोड़ा पका लीजिएगा, थोड़ा सा ज़रा स्मोक आ जाए तो थोड़ा ज़रा वो कच्चा इसका फ्लेवर ना रहे। बस ये देखिए हलीम तैयार हो गई, और इसको कोशिश करेंगे, अगर आपने घर में इतनी हलीम बनाई है ये बाहर नहीं छोड़ सकते, ये गर्मी का मौसम है, ये जैसे ही ठंडी होगी आपने इसको फौरन फ्रिज में रखना है, ये 2-3 घंटे बाहर पड़ी रही ना ये स्मेल कर जाएगी, इसमें जो गंदम और जौ है ये दालें ये ख़राब हो जाती है, इसके स्मेल हो जाती है, लिहाजा ये रिस्क ना लीजिएगा। मैं ले चुका हूँ ये हलीम, मैं आमतौर पर घर में, मुझे बहुत पसंद है तो मैं बड़ी क्वान्टिटी में बनाता हूँ और हर दफ़ा बनाता हूँ, और ये भी हो चुका है मेरे साथ कि हलीम छोड़ी बाहर 3-4 घंटे के अंदर आया तो स्मेल छोड़ दी, लिहाजा जैसी ही ठंडी हुई आपने थैलियों में बंद किया, मैं तो उसको थैलियों में बंद करके फ्रीज़र, बस, और डेट लग दें उसके ऊपर और आइटम नाम लिख देंगे क्या है क्या निकाला, डिफ्रॉस्ट करें, 2-2 महीने बाद भी निकाल लें, इंशाल्लाह टेस्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल, अंजय भाई ने अप्रूव कर दिया, और अभी इनको खिलाएंगे भी और सब खाएंगे, नान के साथ इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो भी ट्राई कीजिएगा। और ये आपको फिर दोबारा आपको दिखा दूँ, हलीम का जो ख़ास बात है वो ये देखें, जो इसका रेशा बन रहा है ना भाई, ये गेम है, ये एक दफ़ा अचीव हो गया हलीम आपकी तैयार है, आपसे लेते जाते हो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। और जेब भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मैं आपको बुलाना मजबूरी थी मेरी, हलीम बन नहीं सकती थी, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपसे इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।